चलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। समझ लो पूरे पैंडेमिक में हमने यही पढ़ा है और यही देखा, और ये होना भी बहुत जरूरी था। अजीम प्रेमजी का सुना होगा ना आपने, 72,000 करोड़ दान कर चुके हैं भारत सरकार को। कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? हर दिन बोलते हैं कुछ 22 करोड़ रुपए देते हैं वो सरकार को, ऐसा कुछ पढ़ने में आया था। देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है, मैंने कुछ न्यूज़ निकाल के रखी, रिसेंट न्यूज़ है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहला दिया है CSR अंबुजा नेवशिया ग्रुप। इन्होंने क्या किया है, एक केयर सेंटर खोला है कोलकाता में, ठीक है। AMNS इंडिया वैक्सीनेशन, अपने इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को वैक्सीन करवाया है। IIFL होम फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए हैं कोविड के लिए, ठीक है। विशाखापट्टनम में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, पटना में भी हुई हैं, बिहार में भी। कैनन इंडिया सपोर्ट विद वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन, ओके। CSR बेनिफिट्स, ठीक है। PM केयर मिनिस्ट्री अलाउ कंपनी सेट ऑफ एक्सपोज, जो CSR करेगा उसका टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है। बहुत सारे हैं, न्यूज़ में जाएंगे तो मिलते आएगा, बराबर है ना? देखो ये कुछ ना कुछ दान धर्म से रिलेटेड बातें हैं, सपोर्ट करने के लिए कोविड को, एम्प्लॉयज़ को, आसपास के लोगों को। पढ़ते जाओ, देखते जाओ, है ना? तो अगर आप, मैं बेसिकली अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ कि CSR का मतलब क्या होता है, यार सिंपल सा लॉजिक है। आप एज ए बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, है ना? उसी रिसोर्सेज से गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और सोसाइटी को बेचते हैं, और उसी से फिर बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं, है ना? सोसाइटी को भी पे करते हैं और उस पे रिसोर्सेज पे जो इनकम होती है वो, ठीक है। अब सोसाइटी से रिसोर्सेज लेके सोसाइटी से पैसे कमाते हो तो उसके प्रति कोई जिम्मेदारी भी तो बनती है। ना कोई जिम्मेदारी तो बनती है, जिम्मेदारी काट दिया मैंने। उस जिम्मेदारी को पहले मॉरली बनाया जाता था कि आपको करना चाहिए, मॉरल वैल्यूज पे, कि बिजनेसमैन को ऐसा करना चाहिए। मगर जब लगा कि मॉरल वैल्यूज पे ज्यादा लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस पे बना दिया हमने एक कानून, एक लॉ, एक एक्ट। बना दिया कि नहीं बना दिया, है ना? और उस लॉ को, उस एक्ट को हमने बोला कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों के लिए कुछ तो करो। जैसे हमारे शहर में भी आपने देखा, अदानी जी ने कहीं एक दो जगह पर बेंचेस बनवा दिए हैं, कहीं पर रोड बनवा दी है, पाव पाव ऑक्सीजन प्लांट में मदद की है, ऐसा सुनने में आया है। करना पड़ता भैया, करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, ओके, है ना? जहां आप लोगों के रिसोर्सेस, ओके तो देखते हैं अब क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना तो पड़ेगा। सेक्शन 135(5), ओके, याद कर लो सेक्शन को, 135(5). कंपनीज एक्ट 2013 साफ साफ कहता है, साफ साफ, धुंधला धुंधला भी नहीं। कॉरपोरेट मतलब यहां पर कॉरपोरेशंस भी आ गए, क्लब भी आ गए, सोसाइटी भी आ गए, ट्रस्ट भी आ गया, कंपनी भी आ गई, स्टेट्यूटरी बॉडीज भी आ गई। कंपल्सरी, कंपल्सरी स्पेंड 1% ऑफ देयर प्रॉफिट ऑन, देखो देखो कौन कौन सी चीजें। एक अमाउंट है आपके प्रॉफिट का, कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में जहां से सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो, मतलब सोसाइटी का वो तबका जो बहुत जमीन पर है, बैकवर्ड है, उसे आगे आने का, ऊपर आने का मौका मिले, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग इनका कहना है, वेयर बाय कंपनीज डिसाइड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ए बेटर सोसाइटी। जब कंपनीज खुद डिसाइड करती हैं कि यार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पैसा खर्चा करते हैं, या हॉस्पिटल बनाते हैं, एजुकेशन के लिए, है ना, ये सब CSR का पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा पढ़ें, बेटर सोसाइटी एंड क्लीन एनवायरमेंट, कि आपने रोडें बनवा दी, ठीक है, आपने पार्क बनवा दिए, ओके, आपने साफ सफाई करवा दी, ये बहुत जगहों पर ऐसा आपको करना पड़ेगा। पूछ सकता है ना आपसे, व्हाट इज CSR? यू मस्ट नो दैट व्हाट इज CSR, है ना? आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी।
क्या लिखा है उसमें, क्लीन एनवायरमेंट चाहिए, वेयर बाय द कंपनीज इंटीग्रेटेड जोड़ते हैं किसको, सोसाइटी सोशल एंड अदर यूजफुल कंसर्न इन देयर बिजनेस, मतलब इस तरीके से बिजनेस करते हैं कि समाज को कुछ बेनिफिट्स हो जाए, और सोसाइटी का हर व्यक्ति उनका स्टेक होल्डर है। रोड बना दो यार, गार्डन बना दो, दान धर्म कर दो, करना पड़ेगा ना, सोसाइटी से कमा रहे हो तो। स्टेक होल्डर्स का मतलब हर वो व्यक्ति जो कंपनी से फाइनेंशियली इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इसके रूल आएंगे कि क्या तरीका है, तो रूल 2(1)(c), 2(1)(c) प्रोवाइड द एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ओहो, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, इंक्लूसिव होती तो खत्म हो जाता ना, बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं। क्या डेफिनेशन है पढ़ने की कोशिश करते हैं। सी एस आर मीन्स एंड इंक्लूड्स बट इट इज नॉट लिमिटेड टू, एग्जॉस्टिव मतलब हद तक इसमें चीजें दी हुई हैं, इसकी डेफिनेशन भी 3 या 4 पॉइंट तक सीमित नहीं है, ये अपन लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो क्या लिखा था, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू, सिर्फ इन कामों तक लिमिटेड नहीं है, इसके आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, वहां पर भी है। अभी तो एक्टिविटीज पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कितना किया जाता है। अजीम प्रेम जी को ध्यान रखो, बस सब समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एक्टिविटीज एरिया सब्जेक्ट स्पेशल शेड्यूल सर, अब बोल रहा वो काम जो शेड्यूल 7 में दिए हैं सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं है सीएसआर। वो शेड्यूल 7 क्या है मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसमें पूरी एक्टिविटीज लिखी है कि किसे सीएसआर कहते हैं। प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, है ना, उनकी कमेटी ने कहा, सीएसआर कमेटी ने, कि इस पे खर्चा करो। एक कमेटी होती है हर कंपनी में जो बताती है कि किस एरिया में हम खर्चा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां होता है वहां की प्रॉब्लम्स कुछ और होती है ना। एक्टिविटीज क्या एरिया है, क्या आ गया शेड्यूल 7, तो भैया लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है जो इंक्लूड की गई है कंपनीज एक्ट में, कि कौन कौन से काम को सीएसआर माना जाएगा। अब इसमें लिखा है सेक्शन 135 शैल नॉट अप्लाई फॉर पीरियड ऑफ 5 साल ही हुआ है, तो अभी आपको सीएसआर करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक प्राइवेट कंपनी में 5 साल खत्म हो जाएगा तो बच्चे कैसे प्रॉफिट कमाने लगोगे, तब सीएसआर एक्टिविटीज कर सकते हो। बिजनेस करने को अभी तुम्हारा 5 साल हुआ है ना, तो रुक जाओ अभी अभी, यहां पर तुम्हारे भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इतना पैसा कमाना है तुम एलिजिबिलिटी के लिए। किन कंपनियों को एक कमेटी बनानी होगी, वो कमेटी में कंपनी के ही लोग होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कितना हमको अपने पास से पैसा खर्चा करना है। ऐसा अजीम प्रेम जी बैठे बैठे थोड़ा कोई सपने में आता होगा, उनकी कमेटी होगी, एक सीएसआर कमेटी होगी जो डिसाइड करती होगी कि पीएम फंड में कितना देना है, सीएम फंड में कितना देना है। आप समझ में आ रहा है ना लॉजिक क्या बोल रहा हूँ आपको मैं, है ना, लोगों तक डायरेक्टली कितना पहुंचाना है ना, कंपनी कैसा डायरेक्ट खर्चा करेगी। तो सेक्शन 35(1) साफ साफ कहता है, और वो कंपनी जिसका नेटवर्थ, उसकी वैल्यू, नेटवर्थ मतलब द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एवरी एसेट एंड वेल्थ एंड प्रॉफिट, वैल्यू उसका नाम धाम 500 करोड़ के ऊपर का उसका वर्थ है, टर्नओवर या 1,000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है, या 5 करोड़ से ऊपर का उसका नेट प्रॉफिट है ना। एक सेकेंड, है 1 सेकेंड, वन सेकेंड, नेट प्रॉफिट कितना है, 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा, और में है। नेटवर्थ को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, कि आपकी, मैंने बोला ना, हर आपकी फाइनेंशियल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ योर रेपुटेशन, इन टर्म्स ऑफ योर एसेट्स एंड वेल्थ यू हैव प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपने इतना कमाया है, इतना अगर आपके पास नेटवर्थ है प्रिसीडिंग मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको कमेटी बनानी पड़ेगी भाई। अब देखो क्या लिखा है उसमें, रूल 3(1) भूलना मत, एवरी कंपनी, हर कंपनी इंक्लूडिंग उसकी सब्सिडियरी, ओके, उसकी होल्डिंग, क्योंकि डेफिनेटली वाइस वर्सा, या उनकी कोई फॉरेन कंपनी, या कोई फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में ब्रांच है, ठीक है, अंडर क्लॉज 42 ऑफ सबसेक्शन 2, इसका ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस क्या इंडिया में, कोई फॉरेन कंपनी जैसे कि अमेजोन, उसका ब्रांच ऑफिस इंडिया में है, तो पैसा छापोगे तो यहाँ पर कुछ करना तो पड़ेगा ना, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करे, ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को जो भी फुलफिल करेगा भैया, जो 135(1) में दिया, 135(1) में एलिजिबिलिटी दी हुई है, उस पे सेक्शन 135 के हर रूल्स एंड रेगुलेशन अवेलेबल होंगे, एप्लीकेबल होंगे। और आपकी ये तीनों चीजें कैलकुलेट की जाएंगी आपकी प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के आधार, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट एंड P&L के आधार, जो आप प्रिपेयर कर चुके हैं उसके आधार पर, ठीक है। नेटवर्थ क्या होता है, हो सकता है 3 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ ले,
क्या होता है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 57, डेफिनेशन है भाई इसकी, एग्रीगेट वैल्यू ने टोटल वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब जो पैसा कंपनी को शेयर के रूप में मिला, शेयर के रूप में मिल चुका है, रूम में नहीं रूप में, रूम में लिख रहा हूं, ऑल रिजर्व्स जो आपने खुद अपने रिजर्व्स क्रिएट किए प्रॉफिट से हर साल, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा, याद है 10 रुपए का शेयर अगर 12 रुपए में बिकता है तो 2 रुपए हम बोलते हैं प्रीमियम, तो ये पैसा यहां चले जाता है ना, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेबिट क्रेडिट जो भी होगा, अच्छा बुरा आएगा जाएगा, जो भी आने जाने वाले सभी काउंट करेंगे ना हम लोग, तो ये तीनों, ये जो ये आपकी वर्थ बताता है कि कितना पैसा आया, कितना रिजर्व है आपके पास और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, प्रीमियम में गया मतलब लोग मर रहे हैं ना आपके पैसा लगाने के लिए, अब इसमें क्या क्या नहीं आएगा वो देखो, क्या क्या नहीं आएगा नेटवर्थ में, आपको जो लॉसेस हुए एक्यूमुलेटेड लॉसेस, व्हाट इज द लॉसेस, जो लॉसेस हो रहे थे जमा हो रहे थे, अब मैंने क्या किया उसमें से पे कर दिया, जैसे मेरे को साल भर में अगर इतना पैसा हुआ, अब इसमें मेरा सब कुछ है, पेड अप कैपिटल है, रिजर्व है, प्रीमियम अकाउंट है, तो पहले इसमें से मैं क्या के पे करूंगा अपने एक्यूमुलेटेड लॉसेस, करूंगा कि नहीं करूंगा भाई, मेरे जो एक्सपेंडिचर है फ्यूचर एक्सपेंडिचर वो पे करूंगा, छोटे मोटे खर्चे वो पे करूंगा जो राइट ऑफ नहीं हुए अभी तक, माफ नहीं किए गए, है ना, बराबर है, नहीं इसको डिडक्ट कर दिया, इसको डिडक्ट करने के बाद मान लो 500 करोड़ बचे, 500 करोड़, हाँ ये 500 करोड़ मेरी होगी नेट वर्थ, ये इतनी मार्केट वैल्यू भी है मेरी, इतना रिजर्व है मेरे पास, इतना प्रीमियम अकाउंट है, इसमें क्या नहीं आएगा वो रिजर्व जो आपने अपनी रिवैल्यूएशन एसेट्स को बेचने के बाद, एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा आता है ना वो नहीं आएगा इसमें, रिवैल्यूएशन फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद, ओके, बैक ऑफ, राइट राइट ऑफ, डेप्रिसिएशन अमाउंट, डेप्रिसिएशन अमाउंट भी कैसे आएगा भाई, वो तो पैसा हम जमा कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, याद आया वो मशीनें जो खराब होने वाली उनके लिए हम जमा कर रहे हैं, ये भी नहीं आएगा, और एमलगेमेशन, एमलगेमेशन का मतलब सिंपल सा लॉजिक है, जब दो कंपनियां मिल जाती हैं जैसे वोडाफोन आइडिया, तो उससे तो नेटवर्क कम हो गई उनकी, बढ़ कहाँ गई, इंडिविजुअली तो कम हो गई ना, हाँ एक साथ बढ़ गई, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये डिडक्ट करने के बाद जो बचेगी वो होगी नेटवर्क, रिवेल्यूशन जब आपने एसेट्स को बेचा, रियलाइजेशन हुआ, जैसे 1 करोड़ की जमीन थी आपने बेचा, उसमें से 50 लाख रुपए को अपने किसी को पे कर दिया, आपको पे करना होगा, अब उसकी रिवेल्यूशन अब एसेट्स निकाला तो 50 लाख बचे, हाँ इस तरीके से होता है, तो रिवेल्यूशन का भी आप नेट नेटवर्थ में नहीं लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है, सेक्शन 90 198 में जो चीजें ली जाती हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वो हम पढ़ेंगे, वो भी नेट ना, नेट प्रॉफिट शेल नॉट इंक्लूड सच सम एज बीन प्रिस्क्राइब, वो क्या होगा मैं बाद में आपको बताऊं, ये क्वेश्चन देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगा बहुत सी चीजें, स्टेट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, ओहो रिक्वायर्ड टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, ओके इनको इशू करना है कि कंपनी की नेटवर्क कितनी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट 30 सितंबर 2018 को, है ना, एंड फॉलो द प्रोविजन ऑफ 2 सबसेक्शन 57, क्या लिखा है इसमें, द कंपनी हैड फेयर वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू देखेगा, प्लांट की वैल्यू देखेगा, इक्विपमेंट इन द करेंट ईयर विच वॉज मिस्टेकनली टेकन इन टू रिटेन अर्निंग्स, क्या किया मालूम, क्या अपने जो फिक्स एसेट्स है उसकी, उसी जो प्रॉपर्टी है प्लांट है इक्विपमेंट है उसकी वैल्यू उसने अपने रिटेन अर्निंग में शो कर दिया था, अब रिटेन अर्निंग क्या हो जाते हैं आपके रिजर्व, और फिक्स ये क्या है ऊपर जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है रिवैल्यूएशन, समझ में आ रहा है क्या, आप आंसर बताना क्या होगा, मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यू करते ना यार हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को प्लांट को, शहर में है गांव में है आसपास में क्या बन रहा है, कौन चुनाव जीत के आया, आजू बाजू में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, रिवैल्यू करते ना बैलेंस शीट में, फिर वो वैल्यू दिखाते हैं अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू जो भी होगा, तो वो बता रहा है कि फेयर वैल्यूएशन जो है वो नेटवर्क में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, अब अपन ने पहले डेफिनेशन लिख दिए, अगेन अब भी तो पढ़ाया मैंने आपको, कोई भी रिजर्व जो इससे क्रिएट करोगे आप वो नहीं होगा इन्वॉल्व, अब भी तो पढ़े, बराबर है कि नहीं बराबर है, इवन कंपनी ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू नहीं कर रही है, फेयर वैल्यूएशन भी कर रही है, फेयर वैल्यूएशन भी कर रही है, अगर सही दिखा रही है 1 करोड़ की जमीन को 1 करोड़ ही दिखा रही है तब भी वो नहीं होएगा, है ना, और इसे हम एक्सक्लूड ही करेंगे, इसे हम एक्सक्लूड ही करेंगे नेटवर्थ की डेफिनेशन से, इसके लिए आपको सेपरेट अकाउंटिंग करनी होगी और ऑडिटर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो उसे कभी भी नेटवर्थ में इंक्लूड ना करे, ऑडिटर्स को ध्यान रखना होगा, और कौन ध्यान करेगा, इनके अलग सेपरेट अकाउंटिंग करो बुक्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं ध्यान रखेंगे, एबीसी लिमिटेड इज ए कंपनी जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर का, अच्छा उनको लॉस हुआ
प्रिसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर, वन ऑफ द थ्री, मतलब तीन में से किसी एक साल में, विल इट कंप्लाई? अब अपन ने पढ़े 1,000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर तो होना चाहिए, बट इसमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस होने चाहिए क्या? अब यार लॉस तो किसी भी साल हो सकता है, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली हो रहा है। अभी तो पढ़ाया मैंने आपको, फुल क्राइटेरिया को तो फुलफिल कर रहा है भाई, नो डाउट, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सीएसआर कमेटी बना सकता है ये, है ना? अब उसमें लिखा है कि वन ऑफ द ईयर में अगर लॉस होता है तो उसके आधार पर अगर आप कंपनी को बोलोगे सीएसआर नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा, वन ऑफ द लिखा है ना। अब वहां लिखा रहता है कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर्स और 7 ईयर्स और 4 ईयर्स और 3 ईयर्स, तब वो नहीं कर सकता, ठीक है? लिख सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। एक्यूमुलेटेड लॉसेस को तो माइनस करेंगे ना अपन, इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एक्सक्लूजन ऑफ कंपनीज, कौन कौन सी कंपनी है? अरे तो वो तो उल्टा ही हो जाएगा, जो 35(1) को फॉलो, मतलब जो उसके एलिजिबिलिटी में ना है, जिसका टर्नओवर 1,000 करोड़ से कम हो, जिसकी नेटवर्क 500 करोड़ से कम हो, जिसका नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से कम हो, वो उनको ये सब करने की जरूरत नहीं, क्या क्या करने की जरूरत नहीं है, ना कमेटी बनाने की जरूरत है, ना 135(1) उन पे एप्लीकेबल होगा, ना 135 उन पे एप्लीकेबल होगा, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब तक कि वो इसको फुलफिल नहीं कर लेते। अब कमेटी देखो क्या होती है, देखो थोड़ा बड़ा प्यार मोहब्बत से बनाया आपके लिए, कलरफुल कलरफुल जिंदगी कलरफुल कर रहा हूँ मैं आपकी, प्यार मोहब्बत से बना बना के, है ना? क्या लिखा है, तीन और उससे ज्यादा डायरेक्टर, उसमें से एक डायरेक्टर जो ना इंडिपेंडेंट, ओके पब्लिक कंपनी होगी, गवर्नमेंट कंपनी होगी, तो सीजी अपॉइंट कर देगा। जिस बोले कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सबसेक्शन 4 एंड 149 ऑफ 4, है ना, इट शेल हैव इन इट्स सोशल सीएसआर कमिटी टू और मोर। अगर किसी की देखो जिनके तीन और तीन से ज्यादा डायरेक्टर्स हैं, उसमें से एक आईजी होना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना, जिनके दो ही हैं उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है या कंपल्सर नहीं अपॉइंट करने का, समझा? ये भी एक अच्छी चीज पता चलेगा, ज्यादा डायरेक्टर्स होंगे उसमें से एक इंडिपेंडेंट होता है तो बेटर हो। अब कमिटी तो बना ली अपने रूल 3 के हिसाब से, रूल 5(1) क्या बोल रहा सुन लो, एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो लिस्टिंग नहीं है शेयर मार्केट में, ठीक है, और ए प्राइवेट कंपनी जो उस क्राइटेरिया को लिखा है ना इसमें फुलफिल कर रही है, किसको, 1,500 और 5, इनको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसके अनुसार, इन्हें अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काय में आता है 149(4), इसके बिना भी उनकी कमेटी हो सकती है, किसके बिना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी होगी, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जिनका टर्नओवर प्रॉफिट और वो सब 135(1) को फुलफिल कर रहा है। इनके तो दो डायरेक्टर होंगे तो चलेगा जी, फॉरेन कंपनी भी आएगी ना जी इसमें, उनके भी दो डायरेक्टर होंगे तो चलेगा, उसमें से एक इंडिया का डायरेक्टर होना चाहिए, आपको पता है ना, इंडिया 1 डायरेक्टर शुड बी, शुड बिलोंग टू इंडिया, छोटे छोटे क्वेश्चन है आ सकता है, और एक को तो नॉमिनेट करेंगे वो, एक बाहर का रहेगा और एक नॉमिनेट कर लेंगे। सीएसआर कमिटी रूल 5(2) ट्रांसपेरेंट, अच्छा करेगी क्या ये कमेटी, अब ऐसा सुनने में आ रहा भाई के बना रही तो कंपनी से, बोलता है ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग करेगी, जो पैसा कंपनी अपने नेट प्रॉफिट से सीएसआर अकाउंट में डाल रहा है क्या वो वहां खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस चीज के लिए डाला गया, उन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स में उनका इम्प्लीमेंटेशन देखेगी। इसलिए कभी कभी पब्लिक कंपनी में और गवर्नमेंट कंपनी में सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसमें देखो क्या लिखा है, आपकी जो बोर्ड रिपोर्ट है जो अपन ने पढ़े थे, जो आप बनाओगे उसके 134 में ऊपर पढ़ाया था आपको, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपकी कमेटी में कौन कौन लोग हैं, 135(2) के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा कितने मेंबर्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने पढ़ाया था आपको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कि नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, ड्यूटीज क्या है इनकी, ओके, कि ये जो भी पॉलिसी बनाए सीएसआर को लेके वो रिकमेंड करे बोर्ड को, थोप नहीं सकते आप, और बताइए कि कंपनी कौन सी एक्टिविटीज करे जिससे आसपास के लोगों को फायदा हो और इसमें बिजनेस पे भी फर्क पड़े कंपनी के, बराबर है ना? जैसे आप कोई लीकर का काम कर रहा है, शराब का ना, और अब वो जाके लोगों को दवाइयां बेच रहा था, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई,
ऐसा करो कि जो रिलेट भी करे कनेक्ट भी करे आपके, है ना, कितना खर्चा लगेगा, जो भी एक्टिविटी आप करने वाले हो क्लॉज ए के अनुसार, बराबर है ना, तो आपको बताना तो पड़ेगा, है ना, बताना तो पड़ेगा कितना खर्चा लगेगा टाइम टू टाइम। वो एक्सपेंडिचर वो कंपनी फिर अपने नेट प्रॉफिट से अलग कर देगी, ना। ये कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे कि भाई कोई स्कूल खोल लेते हैं, कोई हॉस्पिटल खोल लेते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पैसे दे देते हैं, पीएम केयर फंड में पैसे दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना, पार्क बनवा देते हैं, रोड बनवा देते हैं, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कहाँ हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है। अब कंटेंट है सीएसआर पॉलिसी के, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, रूल 6। तो आप पॉलिसी बनाओगे, ऐसे कमेटी बनाया आपने, देखो ये जो भी है ये किसने बनाया, कमेटी ने। पॉलिसी में क्या लिखा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंडिया नहीं इंडिया के बाहर भी करते हैं, इंडिया में तो करते ही करते हैं भाई, इंडिया के हर कोने कोने में करते हैं, प्रोग्राम्स हैं जो कंपनी करने वाली है सीएसआर में, शेड्यूल 7 में जो पूरे एक्टिविटीज लिखी हैं, हम शेड्यूल 7 पढ़ेंगे ना, है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स, मॉनिटर कौन करेगा उनको, तो एक कमेटी उन्हें बना के रखी है ना, सब कमेटी भी बन सकती है एक सीएसआर की। बीओडी शैल इंश्योर दैट एक्टिविटीज एरियाज एंड सब्जेक्ट स्पेसिफाई, अपने मन से नहीं करना है, जो शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज दी गई हैं वही करना है, अपने मन से सीएसआर नहीं करना है, अपने घर वालों को पैसा देके, है ना, अपने हिसाब से नहीं करोगे आप। द सीएसआर पॉलिसी ऑफ द कंपनी शैल स्पेसिफाई दैट द जो भी सरप्लस होगा सीएसआर प्रोजेक्ट से जो आपको मिलेगा बचेगा वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, जैसे कोई पैसा बच गया आपका सीएसआर एक्टिविटी के बाद तो वो सीएसआर अकाउंट में ही चला जाएगा, कंपनी के पास नहीं आएगा। ड्यूटीज क्या हैं बोर्ड की इन रिलेशन टू सी एस आर ड्यूटीज, द BOG ऑफ एवरी कंपनी रिफर्ड इन सबसेक्शन 1। क्या करना है भाई इनको, जो रिकमेंडेशन देगा कौन किस से रिलेटेड उसको अप्रूव करना है, करना है कि नहीं करना है, अपने बोर्ड रिपोर्ट में कहाँ कहाँ कौन कौन से तुम दान धर्म करने वाले वो डिस्क्लोज करो, है ना, अपनी वेबसाइट पर डालो, और AGM में भी लोग देखेंगे उसको। मतलब अजीम प्रेम जी ने अगर पर्सनली किया है तो उनको बताने की फिर जरूरत नहीं है, पर्सनली अगर किया है तो बराबर है ना, बट अगर वो कंपनी की तरफ से कर रहे हैं विप्रो की तरफ से तो फिर वो तो ये हर चीज बताएंगे ना। मैं सीएसआर रिपोर्ट निकाल सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ सीएसआर में, देखो मैं आपको अजीम प्रेम जी का एक छोटा सा लेखा जोखा बताता हूँ, ये तो उनकी कंपनी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, विप्रो CSR, ओके, कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं दुनिया के लिए, कोई बोलने की बात ही नहीं है, ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, ये उनके मॉरल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये चेयरमैन है भी साहब, है ना, रिशाद प्रेम जी मेरे ख्याल से उनके बेटे हैं, कुछ लैंडमार्क उन्होंने जो काम किए हैं देख सकते हैं आप, कॉर्पोरेट सोशल सोशल पार्टनरशिप, बहुत सारे लोगों से इनकी पार्टनरशिप है, जैसे गवर्नमेंट के साथ में इनकी पार्टनरशिप से 500 स्कूल खुला, 500 से 1000 स्कूल तो खुलवा चुके हैं। CSR कमेटी है, देखो कमेटी में देखो 30 देखो लिखा है, एज पर द सेक्शन 30 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज द पार्ट ऑफ बोर्ड गवर्नेंस, यस उसका हिस्सा है ये, और मैंने आपको ये जो पढ़ाया था नॉमिनेशन कंपनसेशन कमेटी 178(3), उसमें 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, देखो क्योंकि 3 और 3 से ज्यादा डायरेक्टर होंगे ना इसलिए 3 रखा है उन्होंने, और अमाउंट बहुत बड़ा है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। कौन कौन है भैया, विलियम आर्थर ओन्स, MK शर्मा एंड इरीना विट्टल, और चेयरमैन कौन है, मिस्टर ओवन, CSR कमेटी। पैसा देखो कितना खर्चा किया उन्होंने, ये देखिए आप 2015-16 में 160 करोड़, कितना अमाउंट वो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था, अच्छा 15-16 में उन्होंने प्रिस्क्राइब कम किया था, खर्चा ज़्यादा किया है, तो हमेशा ही वैसे ही किया है, मतलब ऑरेंज वाला है कि इतना वो करने वाले, उनकी कमेटी ने बोली इतना आपको करना है, समझ में आ रहा है, बट उन्होंने खर्चा बहुत ज़्यादा किया है, यू कैन से दैट। देखो ये सब लिखा हुआ है, काम की रीज़ है, एजुकेशन पे ना, अंडरप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन वे प्रोन, ये सब चीज़ें यार काम की हैं हमारे, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं आप, स्कॉलरशिप फेलोशिप, संतूर वुमेन, संतूर इन्हीं की कंपनी है ना विप्रो की, तो उसमें उसका जो पैसा आता है संतूर के तरफ से, साबुन के तरफ से जाता है वुमेन एम्पावरमेंट में, इंजीनियर IT को देख लिया, आपको काम का है, काम आएगा आपको, बायोडाइवर्सिटी नेचर को बचाने के लिए देख रहे हैं आप, और COVID-19 में तो मेरे को लगता है जिन्होंने इन्होंने जितना खर्चा किया किसी ने नहीं किया होगा, हम सब जानते हैं, ठीक है, चलो अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उसमें लिखा है कि प्रिस्क्राइब से ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, अब ये चीज भी आ गई, ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, बट उसके लिए बोर्ड की परमिशन लेना
जरूरी है, बोर्ड की परमिशन लेना जरूरी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखे तीन तीन थे। हाँ जी, द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सीएसआर 135,500, 135,500, 135,500 एवरी फाइनेंशियल ईयर, ये याद कर लो रे, एटलीस्ट 2%। इतना तो आपको अपने नेट प्रॉफिट का, जो 3 साल के नेट प्रॉफिट होंगे ना आपके, जो भी, वैसे तो एवरी फाइनेंशियल ईयर का लिखा है, मैं तो तीन देखो लिख दिया ना, 3 का 2% तो आपको कम से कम अपने 3 फाइनेंशियल ईयर का खर्चा करना ही करना है। पर मेन फोकस काय पे करना है आपको, अपने आसपास देखो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, लोकल एरिया, अदानी जी को ही बोलते हैं, गोंदिया में फोकस करो, भंडारा तिरोड़ा में फोकस करो, ठीक है ना। एंड इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड, कंपनी ने तय की फिर भी खर्चा नहीं कर पाई अपने लोकल एरियाज में या जो उन्होंने स्पेसिफाइड किया था, तो रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको, फिर बताना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं कर पाए, है ना। ठीक है, सीएसआर एक्टिविटीज आ गया है, काम की चीज आ गई है, देखते हैं फिलहाल, अभी पढ़ने की कोशिश करते हैं इसमें सीएसआर एक्टिविटीज में क्या क्या है। एक्टिविटीज हैं, रूल 4, क्वेश्चन आया सीएसआर की एक्टिविटीज लिखो, तो ये लिख डालने का है। कंपनी जो भी एक्टिविटीज लेगी वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से लेगी, प्रोजेक्ट प्लान, और ये कौन बनाएगा, सीएसआर कमिटी। डेफिनेटली देखो, आ ही गया इन्हीं के थ्रू, जो सेक्शन 8 कंपनी होगी, नॉट फॉर प्रॉफिट याद है, या जो कोई ट्रस्ट होगा, रिलायंस ट्रस्ट, टाटा फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, या कोई सोसाइटी है, वो भी ये काम कर सकते हैं, मगर कब, अगर वो किसी कंपनी के द्वारा स्टेब्लिश है, तो रिलायंस फाउंडेशन किसके द्वारा स्टेब्लिश है, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ट्रस्ट, टाटा फाउंडेशन, तो वो भी ये काम कर सकते हैं इंडिविजुअली, मतलब रिलायंस ने रिलायंस फाउंडेशन बनाया और उसके थ्रू फिर वो सीएसआर करवा रहा है, ठीक है ना। गोंदिया में भी हमारे हॉस्पिटल खुलवाया है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किया है, तो वो भी खर्चा करवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सेक्शन 8 कंपनियां हैं या ट्रस्ट हैं या सोसाइटीज हैं जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने बनाई है बाय द पार्लियामेंट। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको कोई नॉट फॉर प्रॉफिट या ट्रस्ट या फाउंडेशन बनाना है, सोसाइटी बनानी है, अदर देन जो ऊपर लिखा है इनके, है ना, लिखा है ना, अगर बनानी है आप चाहते हैं इनके थ्रू करना, अब जो क्या लिखा है इसमें कितना इंपॉर्टेंट है, तो सच कंपनी और ट्रस्ट और सोसाइटी, उनको एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा पिछले 3 साल का। ऐसे थोड़ी ना किसी को भी बता दे देंगे यार कि आप 3 साल से ये काम कर रहे हैं, लिखा है। अब आप एक ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं, बराबर है ना, जैसे कैसा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक कंपनी है ए, उन्होंने बनाया, 3 चीजें बना सकते हैं ना, या तो एक सेक्शन 8 कंपनी बना देंगे, ट्रस्ट बना देंगे, सोसाइटी बनाएंगे। अब इन तीनों के अलावा आप कुछ और बनाना चाह रहे हैं, कोई और ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं इनमें से कोई एक चीज तो 3 साल से कर ही रहा हूं, किसी एक सोसाइटी के थ्रू या फाउंडेशन के थ्रू, अदर देन लिखा है ना, इनके अलावा अगर आप कुछ और बनाना चाह रहे हैं तो हमने वो 3 साल से ये काम किया है इनके थ्रू और पैसे को खर्चा किया, ठीक है। अदर कंपनी से भी कोलेबरेट कर सकते हो आप, गवर्नमेंट से भी कोलेबरेट कर सकते हो, तो मैंने बताया आपको टाटा ट्रस्ट काम कर ही रहा है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, अजीम प्रेम जी काम कर ही रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर, रिलायंस भी काम कर रहा है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर तो करना पड़ेगा आपको। और रिसर्च में भी काम आता है कि रिसर्च भी आपका एक बहुत बड़ा है सीएसआर, सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है ना उससे, जैसे रिसर्च हो रही होंगी भी वैक्सीन पे, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें लगी हुई हैं। एक्सेप्शन टू सीएसआर एक्टिविटीज, जिनको हम सीएसआर नहीं मानेंगे, जो इंडिया के बाहर करोगे, सीएसआर कहां से आया भाई, तो इंडिया के बाहर आपने करके आके इंडिया को कहां से बेनिफिट मिला, जो सिर्फ आप अपने एम्प्लॉय या फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो वो तो आपने अपने एम्प्लॉय अपनी फैमिली उनकी फैमिली के लिए किया ना, तो सोशल, आप बोलोगे सर एम्प्लॉय भी तो सोसाइटी का पार्ट है, तो काम तो उनके लिए कर रहा है, और तुम उनको बोनस दे दोगे तो बोनस देने से थोड़ा कुछ हो जाएगा, सीएसआर थोड़ा हो जाएगा, घर दे दोगे तो वो तो उनका फर्ज है, वो तो देना ही है, सीएसआर के नाम पर थोड़ी ना कंपनियां ऐसे फायदा उठाएंगी, ये तो करना ही है आपको एज ए बोनस। अब इसमें लिखा है कंपनी में बिल्ड ऑफ देयर ओन पर्सनल, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज, है ना, इन्हीं के थ्रू अपने ही लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, आप लिखा है ना उसमें, एज वेल एज दोज ऑफ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज थ्रू इंस्टीट्यूशंस, है ना।
अपने ही एम्प्लॉयज का, ह्यूमन रिसोर्स का आपने कैपेसिटी एक बिल्ड कर दिया, सीएसआर एक्टिविटी बना दी। ओके, जैसे अपनी आपने अपने ही एम्प्लॉयज के लिए एक स्कूल बना दिया, उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, आप लॉजिक समझो। अपने ही एम्प्लॉयज के लिए हॉस्पिटल बना दिया, अपने एम्प्लॉयज के लिए घर बना दिया, वो सब नहीं आएगा इसमें, वो उसका कहने का मतलब है ना, वो इसमें आएगा नहीं, बट आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। और जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, आपके पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन मंथ फाइनेंशियल ईयर, ये सब सीएसआर में नहीं आएगा। ठीक है ना सर, एक्सपेंडिचर ऑन शेल नॉट 5% से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और अपने तो पढ़े कि एटलीस्ट 2% का तो क्या होता है आपका नेट प्रॉफिट का सीएसआर एक्टिविटी। ठीक है, अगर 5% के ऊपर का हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा आपका, तो सीएसआर का पार्ट नहीं आएगा। लॉजिक समझा, 5% से ऊपर का अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कर दिया एक फाइनेंशियल ईयर में, वन फाइनेंशियल ईयर में, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो ऑफिस के लिए खर्चा कर रहे हैं आप, अपने एम्प्लॉयज पर, अपने फर्नीचर पर, जो भी फलाना ढंग का ना, ये सीएसआर का पार्ट नहीं कहलाएगा। और ये पॉलिटिकल पार्टी को जो फंड्स जाता है, ये भी नहीं आएगा, ये कैसे रहेगा, ये तो सब करप्शन वाला काम है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कभी कभी बॉन्ड खरीद लेते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज के, या फंड आपने दे दिया, या डोनेशन दे दिया, ये सब नहीं आएगा। ये सीएसआर एक्टिविटीज नहीं है, अपने ही लोगों पर, अपने ही एम्प्लॉयज पर, इंडिया के बाहर 5% के ऊपर का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है ना, यानी आपका खर्चा सीएसआर एक्सपेंडिचर के मुकाबले 5% है, लिखा रस नहीं होना चाहिए। अब 5% ज्यादा हो गया तो यानी आपका टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर मान लो 2021 में 100 करोड़, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपने 5 करोड़ के ऊपर का तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ही कर लिया, 5% के ऊपर है ना, तो अगर इसके अंडर का है तो उसको हम सीएसआर में लेंगे 5% से कम का, क्योंकि उतना तो आप कर सकते हैं। बट अगर सीएसआर एक्सपेंडिचर के 5% से ऊपर का हो गया हो, तो फिर वो सीएसआर नहीं माना जाएगा, फिर तो मतलब आप अपनी कंपनी को लेविश बनाने के लिए या अपनी कंपनी को बेनिफिट देने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो। ठीक है, ओके, एग्जांपल है, एडीबी लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड हैज वेरियस प्रोजेक्ट विच आर अंडर एग्जीक्यूशन दिल्ली एनसीआर। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में, नोएडा साइड में, देखते हैं क्या लिखा है। द कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स पर्टिकुलरली इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, साउथ साइड में, उनको भी लगा कि वहाँ प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। मार्च ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 कंपनी गॉट कवर्ड विद इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, अब कंपनी अंडर में आ गई, अच्छा खासा पैसा कमा लिया होगा ना कंपनी ने, 1500 या 5, तो उनको अब सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, सीएसआर एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंस्ट्रक्शन, देख रहे हो ना, यानी ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत बेस्ड है, लार्ज एम्प्लॉय है कंपनी के। उन्होंने किया कि एक काम करते हैं, देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीएसआर ऑन सम एक्टिविटी रिलेटेड, उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया अपने सीएसआर अमाउंट, उससे आप समझो क्या बोल रहा है, उससे नौकरी किसको मिलेगी, अपने ही एम्प्लॉयज को मिलेगी, है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क पे खर्चा करके आप अपने एम्प्लॉय को काम पे लगा रहे हो, कंपनी के बिजनेस को हेल्प मिलने वाला है, मतलब आप अपने एम्प्लॉय को बेहतर बना रहे हो, मतलब अपने बिजनेस को बेहतर बना रहे हो। अब देखो क्या लिखा, अभी तो ऊपर पड़े हैं, जो आपको बेनिफिट दे दे या आपके एम्प्लॉय को या उनकी फैमिली को, उसे सीएसआर माना नहीं जाएगा। द एक्टिविटी प्लान बाय द कंपनी रिलेटेड टू दिस बिजनेस ओनली बेनिफिट ऑफ फॉर इट्स और एम्प्लॉयज, तो ये सीएसआर के रिक्वायरमेंट में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हम नेट प्रॉफिट पढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट क्या होता है करके, देखो नेट प्रॉफिट क्या होता है समझ लो, थोड़ा सा समझने के लिए अच्छा है। इसमें लिखा नेट प्रॉफिट क्या इंक्लूड नहीं करता, पहले तो ये समझ लो, देखिए एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम एनी ओवरसीज ब्रांच और ब्रांचेस ऑफ द कंपनी, वो तो सीएफएस में आता, बाहर का प्रॉफिट हो गया ना, अगर कोई इंडियन कंपनी के ब्रांच बाहर है तो वो इंडिया के नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा, उसका अलग बैलेंस शीट और बुक्स ऑफ अकाउंट बनते, मैंने बताया था आपको। एनी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया, आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ए ने किसी बी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ए कंपनी ने, अब उसको उस पर डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी नेट, वो तो नेट प्रॉफिट कहाँ हुआ, वो तो आपका इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न हुआ, बराबर है कि नहीं, ये सब नेट प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होता है।
नेट प्रॉफिट तो वही होता है जब आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है ना, और वो आप कायम दिखाते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार दिखा दिया तो उसको रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी कवर्ड अंडर दीज रूल्स जिसकी ब्रांच इंडिया में, वन ऑफ द ब्रांच अमेजोन हो गया, नेस्ले हो गया, नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट ऑफ सच कंपनी एज पर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ क्लॉज ए। डेफिनेटली नेट प्रॉफिट किसका कैलकुलेट करेंगे हम, अमेजोन जो अमेरिका में उसका के अमेजोन जो इंडिया में उसका, जल्दी बोलो इसका जो इंडिया में, इसके करेंगे ना भाई, और उसके हिसाब से फिर उस पर लगाएंगे सीएसआर एक्टिविटी, सीएसआर रिपोर्टिंग रूल 8, द बोर्ड रिपोर्ट ऑफ कंपनी। मैंने बताया आपको, आपको तो बताना पड़ेगा कि क्या एक्टिविटीज हैं, कितना खर्चा होने वाला आपको बोर्ड रिपोर्ट, है ना, इसमें भी बताना पड़ेगा आपको, और एजीएम में रखा भी जाता है। फॉरेन कंपनी है तो उनको अपनी बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा, है ना, 381(1)(b) थ्रू, और या फिर एक एनेक्सर स्पेशल डॉक्यूमेंट ऐड कर दो सीएसआर को लेकर। फॉरेन कंपनी किसके थ्रू बताएगी, किसके लिए बता रही है बताओ ना, वो तो बाहर है ना, थ्रू इट्स ब्रांचेस, वो बाहर वाला यहाँ का क्यों बताएगा, उसकी ब्रांचेस होगी तभी ना, सब रिपोर्ट करना है आपको, आरओसी को बताना है आपको, अपने स्टेक होल्डर्स को बताना है, बोर्ड मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, कौन कौन सी एक्टिविटीज, इस पर आपको 6 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो हर जगह से आ सकता है, बट बता रहा हूँ जिसको याद नहीं करना समझ लो, जितना याद हो जाए उतना बोनस है, आपको क्लियर हो जाएगा कि सीएसआर होता क्या एक्चुअली। देखो एक्टिविटीज विच में भी इंक्लूडेड बाय कंपनीज इन देयर शेड्यूल 7 यही है, याद कर लेंगे अपन इसको। देखो क्या काय काय पे खर्चा कर रहे हैं, आप मेरे साथ पढ़ते जाना, आप मेरे साथ पढ़ते जाना, किसको जड़ से उखाड़ने के लिए, गरीबी, जैसे मिड डे मील हो गया, सरकार के साथ मिलकर मान लो कोई कंपनी है, टाटा ने मान लो बोला कि भाई हम एक टाइम का खाना स्कूलों में हम भी खिलाएंगे आपके साथ, तो ये भी कर सकते हैं और करते भी होंगे शायद। भुखमरी, गरीबी, कुपोषण, ये तो बिल गेट्स ने किया है ना इंडिया के लिए, बिल गेट्स ने पोलियो और जो कुपोषण था उस पर बहुत काम किया इंडिया के साथ। हेल्थ केयर के लिए अभी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सोनू सूद कर सकता है कंपनी चालू करके ये काम, एग्जाम्पल दे, तो एनजीए के थ्रू काम कर रहा है। सैनिटेशन, या भी स्वच्छ भारत में कंट्रीब्यूट कर दो तो ऑटोमेटिकली वो जाए, स्वच्छ भारत कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो सीएसआर में आ रहा है। पीएम रिलीफ फंड और सीएम रिलीफ फंड में बहुत बड़ा डिबेट चला था कि उसे सीएसआर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और उस और इनकम जो मिल रही है सरकार की इनकम हुई ना तो उस पर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं, या सरकार को इनकम दिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें। सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन बढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एनहांस, वोकल वोकेशन स्किल्स मतलब ट्रेनिंग के लिए कोई अच्छी चीज़ों के लिए, चिल्ड्रन, वुमेन, एल्डरली, बड़े बुजुर्ग, एबल्ड। आप इसको याद नहीं कर रहा है, बस इसको जितना याद रहे उतना काफी है। जेंडर इक्विलिटी के लिए काम करना है अपने को, मेल फीमेल में वुमेन को एम्पावर करना है, सेटिंग अप होम्स, घर बनानी, हॉस्टल फॉर वुमेन, अनाथ बच्चों के लिए, ओल्ड एज होम्स, डे केयर सेंटर, ये सब मेरे साथ पढ़ते रहो। फैसिलिटीज फॉर सीनियर सिटीजन, इनइक्विलिटीज कम करनी गरीबी और अमीर की, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, पार्क बनाने हैं, झाड़ उगाना है, कोशिश करनी है कि पॉल्यूशन ना निकले, कोशिश करनी है इस पर तो काम करनी है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है जमीन में इंसान और एनवायरमेंट के बीच में, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा फौना, एनिमल वेलफेयर, बहुत सारे लोग एनिमल वेलफेयर पर भी काम करते हैं ना, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट के थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोयला, पानी, बराबर है, क्वालिटी ऑफ सॉइल के लिए काम करो, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करो जिससे आपका सॉइल क्वालिटी ना खराब हो, एयर क्वालिटी, क्लीन गंगा में कंट्रीब्यूट करो। अब ये सब गवर्नमेंट ने सेटअप किया, अब ये पैसे का करप्शन बहुत होता है, कई लोग बोलते हैं कि इतना पैसा गया पीएम केयर फंड में, सीएम केयर फंड में, वो यूज हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को भी लगता है कि वो पैसा सही तरीके से शायद यूज नहीं हुआ है, बट गया तो ऐसे आपने तो दे दिया, आप उसमें खर्चा हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं पता। नहीं 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 बिल्कुल नहीं होंगे, आप बिंदास बात करो, उनको बताओ कि सर मैं कंफ्यूज थी। बिल्कुल नहीं,
चैप्टर चालू कर लूँ, बिंदास, बढ़िया चैप्टर। एक्चुअली कई लोग पहले एएस भी करवाते हैं, क्योंकि जो ग्रुप वन से कनेक्टेड होते हैं ना, अब इसके चैप्टर्स डिफरेंट है ना, तो चैप्टर चालू कर, एएस हो गया। मेरी मेरा एक सजेशन बनता क्या, उनको एएस सॉल्व कराया क्या पुराने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, अप्लीकेबिलिटी के साथ में कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे लगाते हैं, 2-3 दिन अगर वो करवा देगा तो मज़ा आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? 2-3 दिन अगर वो करवा देगा मज़ा आ जाएगा। 2-3 दिन उनकी एप्लीकेबिलिटी की प्रैक्टिस करवा दे एएस को लेकर, 2 दिन एटलीस्ट। देख बता मुझे। सॉरी गाइस, ठीक है। देखो ग्ली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा फंड, मतलब ये जो पैसा जा रहा है ये उसमें आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना आपको, और क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, हमारी पुरानी चीजें, जैसे लाल किले को तो उस पे दे दिया ना सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को, कि तुम मेंटेन करो करके, है ना। क्लियर है? फ्लोरा एंड फौना, फौना मतलब मेरे ख्याल से यार एनिमल लाइफ के रिलेटेड है, एनिमल प्रिजर्वेशन, जानवरों को बचाने के लिए, जहां तक मेरा नॉलेज है एनिमल लाइफ। समझ में आ रहा है? और आई थिंक फ्लोरा मीन्स प्लांट लाइफ, तो जहां पर तुम्हारी कंपनी है वहां झाड़ लगा दो, पार्क बना दो। समझ में आ रहा ना? जो तुम्हारी नेशनल हेरिटेज है, पुरानी पुराने जो तुम्हारी इमारतें हैं उनको संभालो, रिस्टोर करो, उन पर पैसा खर्चा करो ना, पब्लिक लाइब्रेरीज, आर्म फोर्सेस पे पैसा खर्चा करो, उनकी जो विधवाएं हैं उन पे उनको पैसा दो, उनके जो डिपेंडेंट हैं, उनके जो बच्चे हैं, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, इन पे पैसा खर्चा करो, जो इनके रिटायर्ड लोग हैं वेटरन्स उन पे पैसा खर्चा करो, रूरल स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस में रूरल, अभी तो इतने लोग आगे आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे क्लब्स एंड अकेडमी ओपन करके। पैरा ओलंपिक जो होता है वो हैंडीकैप लोगों का होता है। हाँ अब देखो ये आगे, इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपको, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, देखो इसी पे तो पैसा जा रहा है पिछले 1 साल से, इसमें बहुत बड़ा वो चल रहा है ना, कि ये पैसा सरकार डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रही है, या करना चाहिए। अब ये सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू आ रहा है, तो बताओ ना कितना आया और कितना खर्चा किया, तो सरकार ये बता नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट पे इस पे बहुत बड़ा इशू चालू है, कोविड में यही तो था, इनके वेलफेयर के लिए जो पैसा खर्चा कर सकते हैं आप, है ना, मुस्लिम्स एंड ऑल जैन्स एंड ऑल दैट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इसरो, डीआरडीओ, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो पैसा सरकार के थ्रू लग रहा है, मतलब जो जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन सरकार के, जैसे मैं बोला ना इसरो, डीआरडीओ, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, जितनी भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, वहां पर प्लीज आईआईटी आईआईएम पे अपना पैसा दीजिए, है ना, उनको बेहतर बनाने के लिए। ये जब मिनिस्ट्रीज का नाम है भूलना मत, आयुष हॉस्पिटल भी आएगा इसमें, आयुष मिनिस्ट्री भी आएगी, यस आयुष, ये जितनी भी मिनिस्ट्री है यहाँ आप जो पैसा दोगे वो कायम आएगा, इन बॉडीज में कायम आएगा। देखो डीआरडीओ आ गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आईसीएआर, आईसीएमआर भी होगा जो हमारा मेडिकल, हाँ ये तो कोरोना पे तो रिसर्च कर रहा है आईसीएमआर वाले, इस पर भी पैसा मिलना चाहिए, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करते हुए, ये सब कंपनियों के नाम आपको याद रखने हैं, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, घर बनाने के लिए, ये रोड बनाने के लिए, स्लम एरिया डेवलपमेंट, इस्लाम एरिया तो आपको पता ही है कि वो जो डिक्लेयर करते हैं लोग, आप अपने मन से नहीं कर सकते डिक्लेयर, हमने मुंबई में तो देखा है। और ये आ गया आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी कोविड में इम्प्लीमेंट हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, इसका अपना खुद का एक एक्ट है, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी इन इन एक्टिविटीज पर पैसा नहीं खर्चा करते हैं, कमेटी नहीं बनाते हैं, है ना, एलिजिबिलिटी आने के बाद में भी आप सीएसआर नहीं कर रहे हो, आप बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो अपने कंपोजिशन को, अपनी एक्टिविटीज को, अपने खर्चे को, आप पैसा डाल तो दिया सीएसआर में बट आप स्पेंड नहीं कर रहे हो उसको, कितना 2% एटलीस्ट, है ना, क्या लिखा है इसमें, डिस्क्लोज नहीं कर पाया तो पनिशेबल होगा नॉट लेस देन 50,000 रुपीज का फाइन, 25 लाख तक जा सकता है, और 3 साल तक का सजा मिलेगी ऑफिसर्स को, ऑफिसर्स को, है ना, और 50,000 का फाइन लगेगा और 5 लाख तक का फाइन बढ़ सकता है, मतलब 3 साल और 5 लाख, अब मैक्सिमम 25 लाख ना, नहीं 50,000 से, 50,000, 3 साल की सजा ये लोगों के लिए,
या और है ना, 5 लाख तक का मैक्सिमम फाइन। अभी और है, बढ़िया बहुत लिख रहा है, तो अपन इसको एंड लेके चलते हैं। और कंपनी को कितना लिखा है, 25 लाख 50,000 से लेके, अगर आप ये सब नहीं करते हो जो क्लॉजेस में लिखा है। खत्म हो गया, देखो कितने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये जो एक्टिविटीज है यार। अब देखो मैं आपको यूनिवर्सिटीज का थोड़ी ना डेफिनेशन पढ़ाऊंगा बैठ के, ये बताऊंगा कि क्या खर्चा हो रहा है क्या नहीं खर्चा हो रहा, ये तो आपको याद रखना है। इसमें से कुछ चीजें मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट थी, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चांस है, पूछ सकता है इस पर जो पैसा आ रहा है वो सीएसआर में आएगा कि नहीं आएगा, और सरकार को डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपनी वेबसाइट्स पर करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो मुझे बता देना आप पढ़ के। ओके चलो इसको फटाफट कर लेना कंप्लीट, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ओके बाकी इग्नोर कर देना बीच में मेरी कन्वर्सेशन को।